हे गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वेव्स ऑफ होम्योपैथी। सो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक होम्योपैथिक मेडिसिन सल्फ्यूरिक एसिडम के बारे में। सो बेसिकली ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं, ये बनाए मैंने फ्रॉम केंट। सो ये केंट में जो भी लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग बने हुए नोट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और गाइज, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके मेरी स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द सेंसेशन ऑफ ट्रैम्बलिंग विदाउट विजुअल इज अ स्ट्रॉन्ग सिम्टम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच इज एसोसिएटेड विद अ वीकनेस एंड लॉन्ग स्टैंडिंग। ऐसी वीकनेस है जो कि बहुत ज्यादा टाइम से है, लॉन्ग स्टैंडिंग है। एग्जॉशन, एक्साइटेबिलिटी एंड हरीड फीलिंग इज अ कॉन्स्टेंट फैक्टर्स इन सल्फ्यूरिक एसिड। सो एग्जॉशन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ एक्साइटेबिलिटी भी है पेशेंट में एंड हरीड फीलिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन इज अ हैमरेजिक। डिस्पोजिशन इज अ हैमरेजिक। अब हैमरेज हो रहा है तो कैसा होगा? ब्लैक फ्लूइड ब्लड फ्रॉम ऑल द ऑरिफिसेस ऑफ द बॉडी, स्मॉल रेड स्पॉट्स इनलार्जिंग रैपिडली। तो ये जो स्मॉल रेड स्पॉट इनलार्ज हो रहा है रैपिडली, उसको हम क्या बोलेंगे? परप्यूरा हेमरेजिका। ब्लू ब्लैक स्पॉट ऑन द स्किन विच इज ड्यू टू द स्लाइटेस्ट इंजरी। तो स्लाइटेस्ट इंजरी की वजह से जो ब्लू और ब्लैक कलर के स्पॉट हो जाते हैं स्किन पर, उसके लिए हम सोच सकते हैं इस मेडिसिन के बारे में। ठीक है, तो अभी हमें एक चीज क्या देखने को मिली कि हम इसको परप्यूरा हेमरेजिका में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, एक पैथोलॉजिकल पॉइंट्स मिल गया। नाउ नेक्स्ट इज द इस होल्ड फॉर 2 मिनट, थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेती हूँ। ओके ओके, सो नेक्स्ट इज द मॉर्निंग एग्रवेशन। सो पेशेंट के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? मॉर्निंग एग्रवेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना सल्फ्यूरिक एसिड। सेंसिटिव टू कोल्ड, इमेसिएशन। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा क्लाउडी बनाया है जिससे कि आप ज़्यादा समझ सकें। नाउ नेक्स्ट इज द पेन इज ब्रुइस्ड, बर्निंग, टीयरिंग, स्टिचिंग, शूटिंग, जर्किंग। पेन कम्स स्लोली एंड डिपार्ट्स सडनली। तो इसको यहाँ पर कंपेयर किया जाता है विथ पल्सेटेला। नाउ नेक्स्ट इज द डिस्चार्जेस। सो डिस्चार्जेस किस तरीके के होते हैं? एक्सकोरिएटिंग, डार्क थिन ब्लड, येलो एंड ब्लडी। नाउ जर्नल स्वेट आफ्टर ईटिंग। सो एक और जर्नल सिम्टम हमें देखने को मिलता है, क्या है कि जर्नली स्वेट होगा आफ्टर ईटिंग। तो यहाँ पर डिफरेंट मेडिसिंस होती हैं, हमें पेशेंट से ये पूछना पड़ता है कि बिफोर स्वेट होता है, आफ्टर स्वेट होता है या फिर ड्यूरिंग होता है। सो आफ्टर ईटिंग स्वेट हो रहा है तो कौन सी मेडिसिन आ रही है? सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ इसके जो है ज्यादा सिम्टम राइट साइडेड होते हैं, तो इट इज अ राइट साइडेड सिम्टम मेडिसिन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द सार्ड स्मेलिंग बेबीज कंपेयर विद द हिपार सल्फ। नाउ मूव टू द हेड, सॉरी माइंड। माइंड में क्या देखने को मिलेगा? वर्टाइगो इन क्लोज रूम, नथिंग कैन बी डन टू प्लीज हिम। सो उस पेशेंट को प्लीज करना काफी मुश्किल हो जाएगा। सो एसिड जो है, एसिड में हमें ये सिम्टम कहने के देखने को मिलता है। नाउ हेड, सो हेड में है इलेक्ट्रिक शॉक्स इन फोरहेड एंड टेम्पल्स इन फोरनून एंड इन द इवनिंग। आईज में क्या है? लैक्रिमेशन व्हेन रीडिंग। ईयर्स, ग्रेजुअल लॉस ऑफ हियरिंग, ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर। नाउ नोज, नोज में क्या है? कोराइजा, ड्राई और फ्लूइड विद लॉस ऑफ स्मेल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द फेस। द फेस ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड पेशेंट इज अ मोस्ट सिकली वन। सो ऐसा लिखा गया है केंट में कि सबसे ज्यादा सिकली हमें फेस देखने को मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड के पेशेंट्स का। ठीक है, कि चेहरे पर दिख जाएगा कि वो बहुत बीमार है। तो आप ऐसा मतलब ये एक तरीके का हो गया कि जब पेशेंट हमारे क्लिनिक पर आ रहा है तो हम कहीं ना कहीं उसको फेस को समझेंगे कि दिखता तो अच्छा खासा हेल्दी है, और एकदम से हमें जो उसके अटेंडेंट्स हैं या फिर जो पेशेंट है वो हमें खुद बताएगा कि अरे मैं तो ठीक था और जब से मुझे बीमारी हुई तब से इतना ज़्यादा सिकली फेस हमें देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इज द पेल एंड एक्सप्रेशंस ऑफ लॉन्ग सफरिंग। सो किस तरीके के एक्सप्रेशन देखने को मिल रहे हैं? लॉन्ग सफरिंग, इन्फ्लामेशन ऑफ सब मैग्जिलरी ग्लैंड। सो फेस में हमें क्या देखने को मिला है कि सब मैग्जिलरी जो ग्लैंड है विच इज द सलाइवरी ग्लैंड, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा।
नाउ नेक्स्ट इज द टीथ. सो टीथ में हमें सिम्टम देखने को मिल रहा है दैट एग्रवेशन फ्रॉम कोल्ड, एमोरेशन फ्रॉम हीट एंड एग्रवेशन इन द इवनिंग इन बेड. नाउ डिकाई टूथ, जैसे जब डिके होने लगते हैं टूथ तब के लिए हम सोच सकते हैं, एंड वॉयलेंट न्यूरेलजिया. नाउ नेक्स्ट इज द माउथ, लॉस ऑफ टेस्ट ड्यूरिंग कोराइजा, सोर माउथ, नर्सिंग सोर माउथ. तो नर्सिंग सोर माउथ में काफ़ी इंडिकेटेड मेडिसिन है सल्फ्यूरिक एसिड. एपिथस माउथ ऑफ इन्फेंट और मदर, व्हाइट और येलोइश टाइप के अगर अल्सर हो जाते हैं माउथ में तो वी कैन थिंक अबाउट द सल्फ्यूरिक एसिड. नाउ सलाइवा इज ब्लडी. नाउ हम बात करेंगे नेक्स्ट अबाउट द स्टमक. सो स्टमक में क्रेव्स फॉर ब्रैंडी एंड द फ्रूट, लॉस ऑफ एपेटाइट, एवर्जन ऑफ स्मेल ऑफ कॉफी, इंटॉलरेंस ऑफ कोल्ड वाटर, क्योंकि अगर वो कोल्ड वाटर को ड्रिंक करता है तो उसको ऐसा फील होता है कि उसका स्टमक जो है वो कोल्ड हो गया, उसको कोल्ड सेंसेशन होती है इन द स्टमक. नाउ नेक्स्ट इज द क्रोनिक हार्टबर्न, सार ब्लेचिंग, सार वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर सार वॉमिटिंग देखने को मिल रही है, जो कि अगर ज़्यादा हो रही है, ठीक है, वैसे तो नॉर्मल अगर हो रही है तो ठीक है, बट अगर ज़्यादा हो रही है तो हम सोच सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में. नाउ वॉमिटिंग ऑफ ड्रंकार्ड्स इन मॉर्निंग, वी कैन कंपेयर इट विद द आर्सेनिक. नाउ नेक्स्ट इज द स्टमक, सेंसेशन ऑफ हैंग डाउन एज इफ रिलैक्स्ड, वॉमिटिंग आफ्टर ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर. तो कोल्ड वाटर को पीने के बाद वॉमिटिंग हो रही है, इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं इसे विद द आर्सेनिक. नाउ वुमेन, सो अगर वुमेन की बात करें तो मेंसेस आर टू फ्रिक्वेंट, कॉपियस, फ्लो इज डार्क एंड थिन, मैनी सिम्टम्स कम बिफोर द मेंसेस. ठीक है, तो मेंसेस से पहले काफ़ी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे हमें पेशेंट के अंदर, जैसे कि होता है कि बिफोर मेंसेस को नाइट मेयर्स आते हैं, तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में. नाउ नेक्स्ट इज द ल्यूकोरिया. तो अगर हम फीमेल की बात कर रहे हैं तो फीमेल में हम पहले उसके मेंसेस के सिम्टम्स को लिखेंगे, आफ्टर देन ल्यूकोरिया. सो ल्यूकोरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसा है इसमें ल्यूकोरिया, ब्लडी, एक्रिड, मिल्की, एल्ब्यूमिनस, येल्लो. सिम्टम्स इन फीमेल्स एट क्लाइमैक्ट्रिक, अब कैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे क्लाइमैक्ट्रिक के टाइम पे, फ्लशेस ऑफ हीट, सेंसेशन ऑफ ट्रेम्बलिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया ट्रेम्बलिंग इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम है, स्ट्राइकिंग फीचर है, नर्वस, हरी इन ऑल हर एक्शन. सो हरीनेस, एग्जॉशन एंड एक्साइटेबिलिटी, दीज आर द कॉन्स्टेंट फैक्टर्स ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, यह मैंने आपको बिल्कुल शुरू में वीडियो में बताया था. नाउ कॉन्स्टिपेशन इज स्मॉल हार्ड बॉल्स लाइक अ शीप्स डंग, ठीक है, तो जैसे शीप की डंग होती है वैसे हार्ड बॉल्स हैं. नाउ हैज क्योर्ड स्टर्लिटी when it was supposed to be depend upon the copious and frequent menses. अगर copious और frequent menses हो रहे हैं so उसकी वजह से अगर sterility है तो इसको भी cure कर देता है. So guys, this is all about today's video and I hope you like this video. If you like then please hit like button, subscribe my YouTube channel and share this video with your friends and definitely watch my video that is about my story on my another channel. So also subscribe that channel. Till then, bye bye.